This is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. So today we'll be talking about the importance of taking folic acid before and during pregnancy. Folic acid is a very important vitamin which helps you and your baby to grow normally. Folic acid kya hai? Folic acid lettuce and spinach, green leafy vegetables mein naturally paya jata hai and folic acid ki tablets hoti hain jo doctors aapko prescribe karte hain. Why is it important? Kahin bhi jahan body ke cells jaldi jaldi replace hote hain, jaise hair growth ke liye, skin jo change hoti rehti hai, hamara jo antaniyan hain, intestines hain, hamare brain ke cells, hamare blood cells jo jaldi jaldi tootte hain, bante hain, हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, इन सब को बनाने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इस चीज़ से एविडेंट है कि जब एक बच्चे का पूरा शरीर एक लेडी के शरीर में बन रहा होता है तो फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है. फॉलिक एसिड प्रायर टू प्रेगनेंसी शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट. तो इनिशियल स्टेजेस में 6 to 7 weeks में जब बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है, बच्चे का हार्ट बन रहा होता है, तब फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए. फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चे का कई बार ब्रेन ठीक से नहीं बनता, स्कल ठीक से नहीं बनता, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ठीक से नहीं बनती, उसमें छेद होता है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ सकती है, बच्चे को लाइफ टाइम डिसेबिलिटी रह सकती है, सर्जरीज की ज़रूरत होती है. सो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, हमने सुना है बच्चे का लिप ठीक से नहीं बना है, तालू ठीक से नहीं बना है, बच्चे के हार्ट में छेद हो सकता है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए छोटा सा छोटी सी गोली है फॉलिक एसिड की जो लेनी बहुत ज़रूरी है 3 months प्रायर टू कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. कुछ कंडीशंस में हम फॉलिक एसिड कंटिन्यू करके रखते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जैसे कि अगर आपको पहले अबॉर्शंस नहीं हो, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती हो, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, आपको अनीमिया की शिकायत रहती हो, बिकॉज फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन बनने में भी हेल्प करता है. एब्रप्शियो एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी में, जिसमें जो प्लेसेंटा ऑल होती है वो सेपरेट हो जाती है यूट्रस से एंड बेबी की डेथ कर देता है विद इन 3-4 minutes. उसको प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉलिक एसिड लंबी दौरान तक लेते रहें. फॉलिक एसिड की रिकमेंडेड डोज प्रायर टू प्रेगनेंसी 400 माइक्रोग्राम होती है एंड आफ्टर यू कंसीव इट इज 600 माइक्रोग्राम्स, जो कि हम आमतौर पे जो हमारी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां हम देते हैं उन्हें कंबाइन करके ये पूरा हो जाता है. नेचुरली डाइट में आप जितना ज़्यादा पालक, स्पिनच लेंगे एंड लेटस लेंगे उसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, बट देन उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी शरीर में कम होती है. सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर प्रायर टू कंसेप्शन. प्री नेटल काउंसलिंग का यही फायदा है कि आप फॉलिक एसिड अपना टाइम पर लेना शुरू कर दें एंड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, जो मिस कैरेज के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो आप प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ हैप्पी एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी.